अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं हसन जमान। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी फजर की पहली अजानों में 15 मिनट बाकी हैं। तो अभी चलते हैं मस्जिद नबवी और चलकर तहज्जुद का वक्त है तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे और आप लोगों को साथ में फजर की पहली अजान सुनाएंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरी अजान सुनाएंगे। क्योंकि हमारा व्लॉग लंबा ना हो तो मैं इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ मुख्तसर सी अजानें सुनाऊंगा, फजर की पहली और दूसरी अजान। और अगर आप लोगों को पूरी अजान सुननी हो तो उसकी लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग पूरी अजान सुन सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे और साथ में लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चल के आप लोगों को फजर की अजानें सुनाते हैं। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अजल के हसी, ऐ अबद के हसी, ढूंढती। अच्छा जी, सुबह का वक्त हो और नाश्ता ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, तो अभी हम चलते हैं नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के लिए हम लोग जाएंगे मस्जिद बिलाल की तरफ, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं मुख्तलिफ टाइप के रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो वहीं से नाश्ता करेंगे। तो चलें चलते हैं उस तरफ और फिर चल के आप लोग उधर ही मिलेंगे नाश्ते की जगह पर। मैंने यहाँ पे कबूतरों के लिए दाना लिया है तो अभी उनको यहाँ पे दाना डालते हैं। नहीं तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस इत को यकीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूले आमी खातम अल मुर्सली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों को दीगर पाकिस्तानी खाने मिल सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ से मस्जिद बिलाल की अपोजिट साइड पर है, ये मुझे पड़ा है सिर्फ 3 रियाल का। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है। ये इसकी मशीन है और इसके अंदर ये गन्ना डालेगा और इसका जो जूस है वो खुद ब खुद नीचे जो जग पड़ा हुआ है इसके अंदर रसूल है और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इसके अंदर शुगर नहीं डाली हुई, बिल्कुल खालिस गन्ने का जूस है। और ये सिर्फ 3 रियाल
देखिए इसके अंदर आप डाल रहे हैं ग्लास के अंदर, और ये ग्लास 3 रियल का है और मेरे मुताबिक ये बहुत मुनासिब है। ए रसूल ए आमी खतम अल मुरसली। Meanwhile, अच्छा जी नाश्ता मैंने तकरीबन ले लिया है, मगर अब रह गई हमारी कॉफी। दिल को हिम्मत नहीं लग को यारा नहीं नाश्ता। अच्छा जी तो नाश्ते में हमारे पास अजवा है, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे और साथ में बिस्किट है, खाने की क्रीम और ये हमारी कॉफी है। और ये है शरीक जो महीने की खास रोटी है, और ये हमारे पास गुलाबा है, ये हमने यमनी गुलाबा लिया, एक अफगानी गुलाबा होता है वो यमनी गुलाबा है, और ये भी शरीक है, इसको भी शरीक कहते हैं। और ये हमारे पास रोटी है, इसको कहते हैं मलवा। तो चलके नाश्ता करते हैं। अच्छा जी तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर तो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आगे कैसे ब्लॉग देखने हैं। मुझे लगे मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त। अपना बसित को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले आमीन।